रामलखन सिंह यादव कॉलेज औरंगाबाद बिहार, इन सभी का यहाँ पर जो यादव कॉलेज का जो ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए यानी कि यूजी के लिए यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए 2022 से 25 सेशन के लिए मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से इस कॉलेज में अप्लाई करवाया गया था। तो जिसका अप्लाई करवाया गया था उन सभी का यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, साथ ही साथ में इसका एडमिशन भी शुरू कर दिया गया है। तो आज से इसका एडमिशन शुरू हो गया, तो सभी लोग एडमिशन ले लेंगे। तो एडमिशन लेने के लिए मैं आपको आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि एडमिशन आपको किस तरीका से लेना है, साथ ही साथ में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रखना है, उन सभी का मैं कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मन में अगर किसी भी तरह का अगर सवाल भी अगर आया इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। तो सिस्टम का क्रोम ब्राउजर ओपन करके इस वाले वेबसाइट पर चले आएंगे, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वैसे आपका लिंक यहाँ पर आपको शो हो पा रहा होगा, जैसा कि आपको यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर लिंक दिया गया है online.rlsy.aurangabad.ac.in, इस वाले वेबसाइट पर चले आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिग्री एडमिशन, यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा डिग्री एडमिशन, और यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले इस वाले पेज पर क्लिक कर लेंगे। पेज पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लेना है कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट आपके पास ये रहेगा, इसके बाद ही आपका आगे का प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 10वीं का मार्कशीट लगेगा, इसके बाद यहाँ पर 10वीं का प्रोविजनल, यहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इसके बाद यहाँ पर 12वीं का यहाँ पर मार्कशीट, इसके बाद 12वीं का यहाँ पर चाहिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट। जो भी होगा ये डॉक्यूमेंट सभी 100 KB के अंदर होगा, JPG रख सकते हैं या PDF भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर PDF ही या JPG ज़रूरत है, यहाँ पर JPG या PDF दोनों में से कोई एक फाइल रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो 100 KB के अंदर हुआ, जो आपको जिसको SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर यानी कि जो आपने अप्लाई करवाया होगा तो अप्लाई करते समय जो मिला हुआ उसको आपको रखना है अपने पास, जो रेफरेंस नंबर उसमें अवेलेबल होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड रखना है जो 100 KB के अंदर। इसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, यदि अगर आप कास्ट से बिलोंग करते होंगे जिस कास्ट के अनुसार, जनरल से होंगे तो यहाँ पर EWS रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर अदर स्टेट से होंगे कोई, अगर मान लीजिए इंटरमीडिएट अदर स्टेट से किए हैं और मान लीजिए आप बिहार में एडमिशन लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, तो उनके लिए यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, या तो कोई भी अदर बोर्ड से होंगे तो यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो 50 KB के अंदर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि एक सिग्नेचर चाहिए आपको जो 20 KB के अंदर में आपको होना चाहिए। तो ये तो हो गई सभी आपको डॉक्यूमेंट के बारे में कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाला है। तो डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला आपको डॉक्यूमेंट पूरा लगने वाला है। तो चलिए अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूँ, अब चलते हैं अब एडमिशन के लिए कहाँ से करना है अप्लाई। तो एडमिशन के लिए आना है यहाँ पर, आपको देखिए यहाँ पर गो टू अप्लाई एडमिशन प्रोसेस, तो इस वाले सेक्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप क्या करना है कि आपको रेफरेंस नंबर डालना है, जो आपने अप्लाई कराया होगा उस टाइम आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा उसको यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ पर एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसके बाद यहाँ पर सर्च वाले सेक्शन है, इस पर क्लिक कर देता है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर फिलअप कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एकेडमिक ईयर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जैसे मैं मुझे पार्ट 1 के लिए अप्लाई करना है, एडमिशन लेना है, तो पार्ट 1 यहाँ पर सर्च करेंगे। इसके बाद सर्च करने के बाद आपको पेज ऐसा देखने को मिलेगा जो यहाँ पर डिटेल दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या क्या रहेगा अवेलेबल, यहाँ पर आपको अलॉटमेंट नंबर रहेगा जो रेफरेंस नंबर होता है, इसके बाद आपका नाम यहाँ पर, इसके बाद आपके पिताजी का नाम यहाँ पर रहेगा, इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर रहेगा, इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी है, और इसके बाद यहाँ पर एकेडमिक ईयर पार्ट 1, इसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम का नाम, जैसे कि आपका कौन सा आपका यहाँ पर प्रोग्राम है, जैसे BA, BSc या BCOM। इसके बाद यहाँ पर ऑनर्स का नाम आएगा, ऑनर्स का नाम पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके शो कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर BA आ गया। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑनर्स का सिलेक्ट करना, जैसे जियोग्राफी इनका ऑनर्स है, जो भी ऑनर्स आपका होगा यहाँ पर ही ऑनर्स आपको सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू एडमिशन, क्लिक हेयर फॉर एडमिशन वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा पूरा, जो एडमिशन का फॉर्म भरना है। तो चलिए यहाँ पर आपको बारी बारी से यहाँ पर समझा देता हूँ। एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे, जो भी आपने डिटेल फिलअप करेंगे तो यहाँ पर आप पूरी तरह से रीड कर लेंगे, यहाँ पर कहीं आपका गलत नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से अच्छी तरह से सोच समझ कर धीरे धीरे आप अपना समझ लेंगे, इसके बाद ही फॉर्म को आगे का प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फादर नेम फिलअप करना होगा, इसके बाद यहाँ पर मदर नेम फिलअप करना है,
इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके जैसे हिंदू मुस्लिम सिख जो भी होंगे अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके पास अगर आधार कार्ड हो तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर फिलअप करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डिसबिलिटी है या क्या है, जैसे कि मतलब आप अगर यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप अगर इकोनॉमिकली यानी कि EWS के अंतर्गत आते हैं जनरल के होंगे तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद डिसेबिलिटी होंगे जैसे कि विकलांग वगैरह, तो इनमें से आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर नोट अप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे अगर विकलांग नहीं होंगे तो। और इसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स यानी संपर्क डिटेल यानी पूरा एड्रेस फिलअप करना होगा। यहाँ पर जैसे कि आप पूरा एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर जिला का नाम टाइप करेंगे, इसके बाद पिन कोड डाल लेंगे, इसके बाद यहाँ पर पहले से मोबाइल नंबर अवेलेबल होगा, इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी भी पहले से अवेलेबल होगा। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आना है और यहाँ पर आपको अप्लाइड वाले सेक्शन में देखेंगे, यहाँ पर आपको डिग्री का रहेगा, इसके बाद बीए प्रोग्राम इसका पार्ट वन रहेगा, यहाँ पर ज्योग्राफी ऑनर्स आपको पहले से, यहाँ पर आपको सब्सिडरी पेपर वन सब्सिडरी पेपर टू, इसके बाद यहाँ पर कॉम्पोजिशन में आपको यहाँ पर समझ लेना है पहले कैसे कैसे रखना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ तो सब्जेक्ट पहले से ऑनर्स आपका सेलेक्ट रहेगा ही, यहाँ से आपको सब्सिडरी में से इनमें से कोई भी एक आप सब्सिडरी रख सकते हैं, जिसमें मैं यहाँ पर हिस्ट्री सब्सिडरी रख ले रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर सब्सिडी टू में यहाँ पर मैं पॉलिटिकल साइंस रख लेता हूँ, आप अपने अनुसार यहाँ पर रखेंगे जो अभी आपका इच्छा होगा अपने अनुसार रखेंगे। इसके बाद कंपोजिशन में यहाँ पर आपको हिंदी ओनली केवल आपको 100 नंबर का हिंदी है, इसके बाद यहाँ पर हिंदी और उर्दू है, इसके बाद हिंदी और इंग्लिश है, जैसे यहाँ पर 50-50 नंबर का हिंदी इंग्लिश रहेगा इसमें। अगर 100 नंबर का रखना चाहते तो 100 नंबर का यहाँ पर ओनली वाला पर यानी 100 नंबर वाला पर क्लिक करेंगे, तो मैं 100 नंबर का रखना चाहता हूँ 100 वाला पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट का डिटेल आपको फिलअप करना है, जैसे यहाँ पर जिस वर्ष पास किए थे इंटरमीडिएट। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर आपका है, इसके बाद टोटल नंबर जितना आया था वो नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको 12th का मार्कशीट डालना है, यहाँ पर 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट डालना है, इसके बाद 12th का CLC सर्टिफिकेट डालना है जो आपके पास CLC मिला होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर फोटो एक आपको डाल लेना है, इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर को डाल लेना है। यहाँ पर देखेंगे जो इंटरमीडिएट वाला में है बोर्ड का नाम सेलेक्ट करने के लिए, इनमें से कोई भी बोर्ड सेलेक्ट कर जो भी आपका बोर्ड हो, जैसे बिहार बोर्ड से होंगे तो यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना वाला सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, चलिए और क्या डिटेल है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है, यहाँ डिक्लेरेशन पर टिक लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से टिक लगाने के बाद यहाँ पर सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद आपको आएगा प्रोसेस प्रीव्यू को मिलाने के लिए, प्रीव्यू को दोबारा से आप मिला लीजिएगा और दोबारा से मिलाने के बाद आपको फिर नीचे आएगा प्रोसेस आपको पेमेंट करने का। तो पेमेंट करने के लिए पहले आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या UPI कोई भी आप चूज करके वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। मेरे पास इनका डॉक्यूमेंट अवेलेबल पूरा नहीं था इसलिए मैं आपको पूरा कंप्लीट यहाँ से नहीं दिखा पा रहा हूँ। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट तो मुझे डॉक्यूमेंट को शेयर करें, अगर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप सभी कैसा लगा है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी समस्या आता है इससे ऑनलाइन से रिलेटेड या इसमें आपको फॉर्म भरते समय कोई भी अगर समस्या आता है तो आप पहले हमें कमेंट कर लीजिए, कमेंट करने के बाद पूछ लीजिएगा डिटेल्स, इसके बाद ही आप फॉर्म को आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यही थी अपडेट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।